प्रधानमंत्री का जो आगमन है कल, क्या क्या तैयारी हो गया सर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि आपका अंदर में पड़ता है जी। जैसा आप सबको पता है कल प्रधानमंत्री जी करीब 9:30 बजे जो हमारा दोनी पोलो एयरपोर्ट हमारे स्टेट का वन ऑफ द फर्स्ट बड़ा सा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है उसमें लैंड करेंगे। और हमारे देश का हमारे राज्य का सौभाग्य है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आके उस एयरपोर्ट को लैंड करेंगे और उसका उद्घाटन करेंगे। जितनी तैयारियाँ प्रोटोकॉल के हिसाब से हैं ऑलमोस्ट सब पूरी की जा चुकी हैं। फाइनल टचेस जो प्रिपरेशन का दिया जा रहा है, जो फाइनल डेकोरेशन होना है वो सब सही से किया जा रहा है। सारा स्टेबिलिटी वगैरह चेक कर लिया गया है, उसका सर्टिफिकेट वगैरह बनाया जा रहा है। फ्लैग्स भी गवर्नमेंट से अप्रूवल हो गए हैं, उनको भी बनाया जा रहा है। दो प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन है जैसा हमको पता है, एक तो दोनी पोलो एयरपोर्ट है और एक हमारा 600 मेगावाट का कामिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, उसका डेडिकेशन टू द नेशन है। तो ये दो प्रोजेक्ट हमारे सीएम साहब के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे देश को, हमारे देशवासियों को, हमारे अंचलवासियों को समर्पित करेंगे। बहुत ही बड़ा उत्साह का माहौल है, सब लोग लगे हुए हैं, पूरा प्रशासन जिला प्रशासन तो लगा ही हुआ है और साथ में अभी साथ देने के लिए राज्य प्रशासन डिस्ट्रिक्ट एडमिशन के साथ सपोर्ट कर रहा है। तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट का जो प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट है, सारे सेक्रेटरीज हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, पुलिस का डिपार्टमेंट है, हमारे वर्क्स डिपार्टमेंट है, सारे मिलजुल कर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। और मुझे पूरी आशा है कि हम लोग प्रधानमंत्री जी को कोई भी तकलीफ नहीं होने देंगे। और साथ में जो हमारे नागरिक जा रहे हैं उस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए, इवन तो थोड़ा समय अर्ली है, 6 to 8 तक उनको एंट्री करने के लिए रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो उसमें थोड़ा समय होगा। और घर से खा के आने का रिक्वेस्ट भी किया जा रहा है, क्योंकि अभी SPG और बाकी जो पुलिस अथॉरिटी उन्होंने उसको माना है कि सब लोगों को खाना देना अच्छा नहीं होगा और वहाँ पर रिस्क हो सकता है, तो इसके लिए खाने का प्रबंध नहीं किया गया है, बल्कि ओनली वाटर विल बी अवेलेबल। डिस्पेंसर के अंदर पेपर ग्लास रखे जाएंगे, उसके आसपास पानी रह सकते हैं, और पानी जितना मुझे यकीन है उसके हिसाब से कम नहीं पड़ना चाहिए। हमने करीब 20,000 लोगों के पानी का प्रबंध कर लिया, पहले ये 15,000 था, बट आपको जानकर खुशी होगी कि अभी तक हम लोग 20,000 से ज़्यादा इन्विटेशन एक्सटेंड कर चुके हैं। अरेंजमेंट कितने लोगों का बैठने का कुछ अरेंजमेंट है, खड़ा होने का कितना अरेंजमेंट है, और पब्लिक यदि ईटानगर, क्योंकि ईटानगर एयरपोर्ट है तो ईटानगर का लोग तो जरूर जाएंगे सर प्रधानमंत्री को देखने के लिए, तो क्या एक्सपेक्टेशन क्या है सर आने जाने का? ट्रैफिक एडवाइजरी भी आप लोगों ने इशू किया, 144 भी लगाया हुआ है आप लोग जी। टोटल एरिया जो कवर्ड एरिया है जिसमें सिटिंग एरिया है करीब 51,000 स्क्वायर फीट का है, उसमें करीब 10,000 से थोड़ा ज़्यादा बैठने का फैसिलिटी है। और जैसा कि हमको पता है पूरा एयरपोर्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, तो खड़े होने का तो बहुत स्कोप है, तो जो अगर जिन लोगों को अगर सीट नहीं भी मिल पाता है तो वो थोड़ा 1 घंटे का ही प्रोग्राम है प्रधानमंत्री जी का, 9:30 बजे से करीब 10:45 बजे तक, 11:45 तक, तो उसमें ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा, लोग अपना बैठ के या खड़े होकर देख सकते हैं। फिर भी मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा दोबारा कि वो 6 to 8 पहुँचे और अपना जो यथास्थान है जो चेयर ईयरमार्क किए गए हैं उनके लिए उसमें बैठें। इसमें 144 थोड़ा इसलिए निकाला गया है सो दैट कि जो हमारे एंटी सोशल एलिमेंट होते हैं उनको कंट्रोल किया जा सके, और जो बाकी चीज़ें हैं जो भी बिना अथोराइजेशन के ना वहाँ पर पहुँचे उनको हम लोग थोड़ा कंट्रोल कर पाएँ, तो पुलिस के रिक्वेस्ट में ऐसा बोला गया था। अभी हम लोग उसको रीलुक कर रहे हैं, लेकिन वो सब प्रधानमंत्री जी के सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए कहा गया है। रिसेंटली एक ऑर्डर और निकाला है, कल रात को वहाँ पर ड्रोन उड़ते हुए दिखाई गए थे, लोग अपने ड्रोन का थोड़ा एक्सरसाइज कर रहे थे वहाँ पर, तो उसमें भी रात को एक ऑर्डर निकाला है कि वहाँ पर नो फ्लाइंग जोन उसके एरिया के आसपास 5 किलोमीटर दे दिए गए हैं। फिर BSNL का रिक्वेस्ट था कि वहाँ पर डिगिंग होने से कभी कभी होता है कि ऑप्टिकल फाइबर डिस्टर्ब हो जाता है, वहाँ से नेट कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाता है, तो वहाँ पर BSNL और रिलायंस जियो का नेटवर्क दिया गया, दोनों का 100 Mbps का स्पीड एंश्योर किया गया है दोनों डिपार्टमेंट, और BSNL एंड जियो की तरफ से हमारा NIC डिपार्टमेंट उसको ओवरसी कर रहा है, तो उसके हिसाब से दोनों नेटवर्क वहाँ पर काम कर रहे हैं और अभी चेक हो गया उनका, टेक्निकली भी वो सफिशेंटली काम कर रहे हैं। आने वाले टाइम में कोई तकलीफ ना हो, कोई ऑप्टिकल फाइबर ना कटे, उसके लिए भी नो डिगिंग का भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला गया है। साथ में ही कुछ ट्रैफिक एडवाइजरीज भी इशू की गई हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि करीब 10,000 से ज़्यादा लोग हमारे ईटानगर प्राइमरली क्योंकि वो बॉर्डर का एरिया है, तो आसाम से तो इतना शायद लोग ना आए, बट उनका भी वेलकम है, बट जैसे ईटानगर की तरफ से काफ़ी लोग जाएंगे हमारे सेक्रेटरीट की तरफ से, तो रास्ते को वन वे किया गया है, तो 6 to 9 बजे तक, सुबह 6 बजे से 9 बजे तक इधर से ही रास्ता गाड़ियाँ जा सकती हैं, उधर जो हमारा चेक गेट है उधर से गाड़ियों का आना मना किया गया है। सिमिलरली जब डिपार्चर होगा करीब 11 बजे से तो ओनली व्हीकल्स कैन बी अलाउड टुवर्ड्स द ईटानगर, दूसरी साइड जाने में मना है, सो दैट कि जो ट्रैफिक है वो स्मूथली निकल जाए और किसी के साथ भी कोई हादसा टक्कर वगैरह ना हो। सर एक ग्रुप जो फिलहाल दिल्ली में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका एक मैसेज जो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में कि कल वहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे, तो उनको लेकर आप लोग कैसे तैयारी किए? देखिए डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट करना हर सभी का अधिकार है, उसके हिसाब से वैसे तो स्टेट गवर्नमेंट उनसे बात कर रहा है जितना मुझे पता है, बट मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसा ना करें। प्रधानमंत्री जी हमारे देश के इतने बड़े नेता हैं और हमारे को रिप्रेजेंट करते हैं दुनिया भर में,
हम उनको जब भी वो आ रहे हैं तो वो हमारे कुछ अच्छे करने के लिए आ रहे हैं, उनका जो वेलकम है वो करना चाहिए, और इसमें हम जो हमारे इंटरनल इश्यूज़ हैं उसको बात करना चाहिए, लेकिन ऐसे इवेंट में हम बात करके अपने देश का अपने राज्य का नाम ना बीच में लाएँ तो अच्छा है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि ऐसा प्रोटेस्ट ना करें, आपका प्रोटेस्ट सबको पता ही चल रहा है तो अच्छा है। आम लोगों को सर, क्योंकि एक बहुत बड़ा भव्य प्रोग्राम अरेंजमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट का गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और भी यूनियन मिनिस्टर्स काफ़ी आ रहे हैं, तो आम लोगों को आप क्या संदेश देंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से? देखिए, ये हर्षोल्लास का माहौल है और मेरे लिए बहुत ही खुद भी एक सुखद अनुभव है कि हम लोग प्रधानमंत्री जी का जो विजिट है उसको प्लान कर पा रहे हैं, उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। बहुत बड़ा किसी भी ऑफिसर के लिए, किसी भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है और हम लोग इसको सक्सेसफुली कर पा रहे हैं। लोगों से मेरा यही अपील है कि जो भी हमने आपको रिक्वेस्ट किए हैं, डायरेक्शंस दिए हैं, उसके हिसाब से आप आएँ। जितना समय बताया गया 6 to 8 का, वो समय पर आएँ, और जितने प्रोहिबिटरी आइटम्स हैं जिनको बना किया है लाने के लिए, उसके हमने जीडी जिंगल भी बनाए हैं, होर्डिंग्स भी लगाए हैं, और उसको इनविटेशन कार्ड और एंट्री पास के साथ भी बताया है। तो उन लोगों उन चीज़ों को ना लाएं जिससे कि आपका जो एंट्री है वो सुगम हो और आपके और आपके साथियों का कोई तकलीफ ना हो। थैंक यू सर। थैंक यू।